Every child's success story starts here. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. Assalamu alaikum, nazreen aaye nazalte hain aaj ki ahem khabar par. Aaj ki hamari ye khabar hai Begum Bazaar Market Association ko lekar. Kyunki Begum Bazaar ki market walon ne ye faisla liya hai कि कल से जो है बेगम बाजार की मार्केट शाम 5 बजे बंद हो जाएगी। जिस किसी को भी शॉपिंग करना है वो सवेरे 9 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर अपनी अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह का फैसला लिया है वहाँ की एसोसिएशन ने। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए मार्केट ने ये फैसला लिया है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप कम टाइम में मार्केट बंद कर देंगे तो कम टाइम में जो है आवाम ज़्यादा आएगी, यानी पब्लिक ज़्यादा आएगी, फिर से जो है सोशल डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। खैर बहरहाल, मार्केट वाले काफ़ी समझदार भी हो सकते हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही भी हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात है, अगर आप कम टाइम में जो है शॉप्स बंद कर देंगे तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा ही आएगी। तो बहरहाल जो भी हो, आइए आपको ले चलते हैं बेगम बाजार, दिखाते हैं ये खास खबर। प्रेसिडेंट हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन कैलाश मंत्री, हमारी संस्था जो है वो समय समय पर व्यापारियों के, अपने व्यापार में दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों के और आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा के हेतु किस प्रकार से कई निर्णय लिए गए। पिछले बार भी हम लोग इसी प्रकार का निर्णय लिए थे कि सामने हमारे पास में फेस्टिवल का पूरा सीजन है, जैसे कि रमजान है, शिवरात्रि है, रामनवमी है, तो इस देखते हुए कि बेगम बाजार में ज़्यादा भीड़ ना हो, हम लोगों ने सिर्फ लॉकडाउन नहीं, हमने बिजनेस हवर्स को कम किया है। सुबह का हवर्स बढ़ा के शाम के टाइम के समय पर अपने प्रतिष्ठान बंद कर वो लोग, चाहे कस्टमर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, सब अपने अपने घरों पर समय पर जा सके, अपने फैमिली के साथ रह सके। क्योंकि जो हिसाब से कोरोना में बढ़ोतरी हो रही है, किराना मार्केट बेगम बाजार के अंदर भी कई केसेस पाए गए हैं व्यापारियों में, और वो लोग अभी आज के हिसाब में सब सेल्फ लॉकडाउन है, आगे ये केसेस नहीं बढ़ना है, इसलिए हम लोग ये एक निर्णय लिया है। सब व्यापारियों की सहमति से ये निर्णय लिया गया है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं और भी हमारे जो नज़दीक में एसोसिएशन है, जैसे जनरल मर्चेंट है, दाल मर्चेंट है, या स्टील मर्चेंट है, उन लोगों के अध्यक्षों से या पदाधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रकार के निर्णय आप भी अपने एसोसिएशन में बैठकर अपने व्यापारियों के साथ मिलकर ले, ताकि अपन आपस में एकजुट होकर मिलकर इस कोरोना को लड़ सके, कोरोना के साथ लड़ सके, और इसे जितना हो सके उतना अपन भगाने में कामयाब रहे। धन्यवाद जी। हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन बेगम बाजार, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे व्यापार के बिजनेस आवर्स में काफी कटौती की है। बिजनेस का समय सुबह 9 से शाम में 5 बजे तक का रखा गया, जिसका सभी व्यापारी भाई सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसका पालन करेंगे। सुरक्षा के हिसाब से हर एक दुकान पर सैनिटाइजर रहेगा, मास्क रहेगा, कर्मचारी को रहेगा, सेठ को रहेगा, आने वाले ग्राहक से भी यही निवेदन है कि वो मास्क लगा के आए। अगर उसके पास नहीं है तो हमारे व्यापारी भाई उसको प्रोवाइड कराएंगे, भैया मास्क लगाओ। तो सुरक्षा के सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हम ये समय का सख्ती से पालन करेंगे, और कोरोना को दूर भगाने में हम समझते हैं भाई बहुत कारगर साबित होगा। टोटल में कितने महीना रहेंगे, कितने दिन रहेंगे? कितने दिन रहेगा अभी नहीं बोल सकते, मरीज बीमार है उसको कैसा बोलेंगे, कब मरेगा, कब ठीक होगा भाई। अभी तो सिचुएशन जब तक नहीं सुधरते,
सिचुएशन जब तक नहीं सुधरेंगे, हालात कोरोना के केसेस ऐसा ही बढ़ते रहे, तो समय कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इससे पहले आप लोग आपस में बात करके कुछ टाइम करके देखो, इसके पहले करे थे वो हालात अलग थे, अभी के हालात अलग हैं। इसके पहले जो सिचुएशन थी 1 लाख से ऊपर इंडिया लेवल पे केस क्रॉस नहीं हुए, अभी डे बाय डे केस बढ़ते जा रहे हैं। कल 1,25,000 से अब वो केस आए, तो ये जो सेकंड लहर है ये तो पहले वाली से भी ज्यादा फास्ट चल रही है। तो समय को एक्सटेंड कर देंगे, अगर सुधार नहीं होता है तो फिलहाल यही चलेगा सुबह 9 से 5। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।